कभी भी देखना, कंटिन्यू 3 कैंडल बने, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल प्रीमियम के चार्ट पे ग्रीन ही बनेंगी, कंटिन्यू 3 कैंडल बन जाएं। और यहाँ पे जैसे मान लो नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, रेड कैंडल आएगी तो ही नीचे आएगा। अब यहाँ पे हमको वेट करना है, जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है उसको मार्क करना है, सबसे पहले मार्क कर लेना है। और आप लोगों के सामने अगर याद हो तो मैंने ये खाली इस तरह का चार्ट नहीं लगा रखा था, मैंने 2 चार्ट लगा रखे थे, इस साइड कॉल था, इस साइड पुट था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि 3 ग्रीन कैंडल बन गई हैं, एक रेड कैंडल बनी है, मतलब कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। लेकिन जब ये कैंडल नीचे जा रही थी तब थोड़ा सा मैं डगमगाया था कि लगता है पैटर्न फेल होगा, लेकिन जब ये पलट के क्लोजिंग यहाँ हो गई तो मैं यहाँ श्योर हो गया था कि अब ये पक्का ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके ये नीचे आया, मतलब मेरा एन बन गया, ठीक है ना। और जब ये पैटर्न बनता है, आगे भी चाहे कितने मिनट टाइम फ्रेम में आप फॉलो करो, डजन मैटर, 1 मिनट, 5 5 मिनट, कहीं पे भी फॉलो कर रहे हो, आपको सपोर्ट के बाद 3 ग्रीन कैंडल देखनी है। और चौथी अगर रेड बन गई है तो हमको वेट करना है, एक कैंडल थोड़ा सा और नीचे आए तो ये कंडीशन बने, या कि अगर नहीं भी बनती, नेक्स्ट कैंडल भी मार देती ऊपर साइड, तो हम वहीं पे जो भी उसके हाई को ब्रेक करने जाने वाली हो, रेड कैंडल के हाई को, वहीं पे हमको धरना है, वहीं पे धर देना है। और उसके पहली वाली कैंडल ही एसएल पॉइंट होगा, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं लेना है। अगर मान लो पलट के नीचे आता है तो हमको तुरंत निकल भी जाना है। बहुत अच्छा पैटर्न है, अभी तक ये आप लोगों को बताया नहीं था, आज बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सर प्रीमियम के चार्ट पे फॉलो करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग ट्रेड करते जाओगे ना, देखो मैं आप लोगों को जैसे बोलता हूँ ना, आज जो मैंने थैंक यू मैसेज भेजा था वो इसीलिए भेजा था क्योंकि आप लोगों को बताते बताते चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आना चालू हो जाती हैं कि क्या लॉजिक है क्या नहीं है। और ये पैटर्न एक दिन नहीं, कई दिन देखा मैंने, कंटिन्यू अभी ट्रेड भी चल रहा है। बस आपको ग्रीन कैंडल देखना है, एक रेड कैंडल दिख जाए कन्फर्मेशन है, वो रेड कैंडल कन्फर्मेशन है कि अब वो वहाँ से एक मोमेंट तो देने वाला है। और अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक ही कैंडल पे इंट्री और एक ही कैंडल पे एग्जिट करने का वो सोच के चलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम पाने की कोशिश मत करना। हाँ, नेक्स्ट कैंडल अगर जा रही हो तो फिर वो अलग बात है कि आप फिर सोच सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये नीचे सपोर्ट है, तो सपोर्ट नंबर 1, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट आप मान सकते हो ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, मतलब सपोर्ट नंबर 2। सपोर्ट नंबर 2 के बाद आपका एक रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल मीन्स कंफर्मेशन कि अभी ऊपर जाएगा। हाँ, अगर अगली ग्रीन कैंडल, जो रेड कैंडल के बाद जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है ना, वो इस रेड कैंडल के लो पॉइंट को ब्रेक करती है तो पैटर्न फेल। और अगर ब्रेक उसको उसके लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, उसके ऊपर ही जा रही है, तो फिर हमारा ये पैटर्न सक्सेस। तो इसी कैंडल में या कि उसकी नेक्स्ट कैंडल में तो पक्का धारी दो, ठीक है। शर्त क्या है, शर्त क्या है, रेड कैंडल का लो पॉइंट, रेड कैंडल का लो पॉइंट ब्रेक ना करे जब ये यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट करे। और जब ये यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट करे तो हमारी एंट्री तब होगी जब रेड कैंडल का बॉडी का यहाँ पे क्रॉस कर दे, वहाँ पे एंट्री होना चाहिए। और आप देख सकते हो, बोलोगे तो मैं ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा कि मेरी बाइंग यहाँ 90 रुपये 5 पैसे की है, और देख लो इसके ऊपर ही रेड कैंडल के ऊपर एग्जैक्टली वो ट्रेड लगा है। कभी कभी एंट्री भी बढ़िया एकदम सही लेवल पे होती है ना। अब चाहे भाग्य कह दो, किस्मत कह दो, कुछ कह दो, जो कहना हो कहो, लेकिन लॉजिक था इसलिए ट्रेड मारा था, और एक ही कैंडल में घुसा, एक ही कैंडल में निकला। जब कभी इस तरह का पैटर्न तो बहुत सारे मिल जाएंगे दीदी, ये सब रटे रटाए हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई और दूसरी कैंडल, इसको क्या ब्लैक काउच कुछ कौवा वाला कुछ कैंडल बोलते हैं, हमको नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, बट अगर सर वो रेड ऊपर क्लोज हुई है और ग्रीन उसके नीचे से ओपन हुई है, उसको पियर्सिंग लाइन कैंडल कहते हैं। जो भी कैंडल बोलते हैं दीदी, हमको इतना नॉलेज नहीं है कैंडल का, हम तो बस ये पैटर्न देखते हैं कि ये ऐसा बना है। और
सर बिल्कुल ऊपर चले जाओ तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल और बगल में जो रेड कैंडल बनी है उसका ओपनिंग ऊपर है और रेड और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग नीचे है, रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर है, इसे डार्क क्लाउड कैंडल बोलते हैं। दीदी डार्क क्लाउड हो चाहे व्हाइट क्लाउड हो, हमको क्लाउड क्लाउड से मतलब नहीं, हम खाली ये देखते हैं कि एक बात आपको बताऊं, जब डार्क क्लाउड कैंडल बनती है ना वो दूसरी तीसरी कैंडल में तो नीचे का ट्रेड देगी ही देगी, उसने दिया, उसने बड़ी रेड बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ट्रैप किया पहले और बाद में वो नीचे चला आया। देखो सर, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब एक स्ट्रांग बॉडी कैंडल डाउन साइड की मिल जाए प्रीमियम के चार्ट पे और अंगली कैंडल ग्रीन बन जाए, अंगली कैंडल ग्रीन बन जाए वो भी थोड़ा स्ट्रांग हो, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगी वैसे हमको घुस जाना है। नो डाउट दिस ट्रेड विल बी वेरी रिस्की बट ये पैटर्न भी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। आप देखो यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है, यह आपका 115 आ रहा है, 115 से और 188, सोचो आप निफ्टी है सर, ये आपने जो, सर आपने जो रेड रेड कलर से वो राउंड किया वो इरेज कर दियो ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। क्या करूं, वो जो आपने रेड लाइन खींची है ना राउंड सर्कल वो यहाँ हटा दो। ओके मैं वो लिख लेती हूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। प्रदीप जी चले गए, प्रदीप जी चले गए, प्रदीप जी हैं कुछ काम में लगे होंगे। सर आप सिखाते हो तो बहुत बढ़िया, वो में बहुत आनंद आता है, बहुत मजे आते हैं, लेकिन आपकी ट्रेड में इतने हम माइंड नहीं बने, बन जाएंगे धीरे धीरे। क्या सिखाता हूँ दीदी, कुछ तो नहीं सिखाता हूँ। अरे बढ़िया सिखाते हो सर। एक बहुत समय पहले मैंने आप लोगों को एक चीज और सिखाई थी कि जब एकदम छोटी 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 कैंडल बने तो बस हम नजर, बट वो ओटीएम होगा, नजर बना के रखनी है। देखो 5 रुपए की चीज और 122 रुपए जाके जा रही है ये, तो जब छोटी छोटी कैंडल बने तब भी ये वाला भी सेटअप बता रखा है, बट इतना ध्यान नहीं रहता है। मैं ये तो सारे पैटर्न ध्यान रहे भी मुझे, मैं ट्रेड भी कर लूँ, बट वो तभी पॉसिबल है जब मैं घर पे रहूँगा, मेरे अस्त्र शस्त्र जब साथ में रहें, लैपटॉप और ये टीवी मेरे को चाहिए, ऑफिस में नहीं हो पाता। ऑफिस में तो रनिंग में जो चल रहा है उसी पे धरो, मिल गए तो ठीक, नहीं तो ऐसा वाला मामला रहता है। बाकी आप अगर देखो मेरा पैटर्न फेल हो रहा हो तो आप लोग बोलो, आप देखो क्लियरली ये आपको यू बनता दिखाई दे रहा है, क्या आपको इस कैंडल में ट्रेड नहीं मारना चाहिए? मारना ही चाहिए सर, बिल्कुल मारना चाहिए। तो दीदी कुछ मत करो, ये पैटर्न घोट के पी जाओ कि मतलब ये पैटर्न बने। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, आपको बिलीव भी तभी आएगा ना दीदी जब आप ट्रेड लोगे, आप देखोगे तो बिलीव नहीं आएगा। मैं आपको हजार एग्जांपल दिखा दूंगा तो भी आपका बिलीव सिस्टम जनरेट नहीं होगा जब तक कि आप खुद इस तरह का देख के ट्रेड नहीं लोगे। आप अपने से मत करो ना, सुबह अगर इस तरह का बनेगा तो मैं तो आप लोगों को दिखाई दूंगा, या कि जिस दिन घर पे रहूंगा उस दिन पूरा दिन आप लोगों को साथ में ले लूंगा और दिखा दूंगा, देखो यू पैटर्न बन रहा है, मैं यहाँ एंट्री भी ले रहा हूँ। सीताराम दीदी, हाँ सर है ना, राम जी की अच्छी कृपा, बहुत कृपा है सर आप पर और आपके जरिए हम पर भी। एक पैटर्न ये बताया था दीदी, सब चार्ट पैटर्न के, वो जो 12 चार्ट पैटर्न बताए ना उन्हीं में से कोई ना कोई बनता है। देखो
ये पैटर्न भी बताया था कि एक बार जैसे यहाँ से शुरू होता है कि ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हो क्या रहा, डब्लू बन रहा है। ये डंडा जो लगाया ना, तो एक दिन बताया था ना कि यहाँ पे आप क्या करो, वन मान लो कि इस लाइन पे वन सपोर्ट लिया, यहाँ पे टू सपोर्ट लिया, और यहाँ पे जैसे ही थ्री सपोर्ट लेना आप रेडी हो जाओ, पहली कैंडल में मत मारो, ये जो पहली ग्रीन बन रही है उस पर मत मारो, दूसरी पे मारो। पहली ग्रीन कैंडल बन गई ना, और उसके ऊपर दूसरी जैसी बनना चालू हो आप वहीं धर दो, वहीं। अच्छा अब इस पैटर्न को खाली एक मिनट में, यह मत समझना कि एक मिनट में काम करता, पैटर्न तो पैटर्न होता है, चाहे पांच मिनट में फॉलो करो चाहे एक मिनट में फॉलो करो, देगा क्या, देता ही है। आपके सामने ही कितने पैटर्न बता दिए मैंने, एक तो यही हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो दे दिया, चौथा है सर, चौथा है, वापस से रिवीजन करेंगे। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग, चलो रिकॉर्डिंग चालू है इसकी, बता वो डाल दूंगा उस पर, है ना, ये अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग चालू। तो देखो ये पैटर्न, ये जितने पैटर्न अभी आप लोगों को बताए ना, उसमें से वो जो आप जिसको ब्लैक काउज हुआ, पता नहीं क्या ब्लैक क्लाउड वो बोल रहे थे, हाँ वो ब्लैक क्लाउड वाला छोड़ के बाकी जितने भी ये तीन बताए ना, ये मेरे पक्के वाले बिलीवेबल पैटर्न है, मतलब इन पे तो यूं समझो कि मैं चूकता ही नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा, नहीं चूकता, हाँ मैं नहीं चूकता, मुझे दिखा मैं धरूंगा, दिखा कि मैं धरूंगा, बिल्कुल नहीं चूकता हूँ मैं। और सबसे अच्छी बात यही है ट्रेडर की, कि आप जहाँ डिसाइड कर रहे हो आपका पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, आपको ट्रेड करना है, प्रॉफिट और लॉस मत देखो, आपका पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है आप ट्रेड करो, तभी आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट होगा। नो डाउट 10 दिन आप ट्रेड करोगे उस पैटर्न पे, तो हो सकता है एक दो दिन आपका लॉस भी हो जाए, लेकिन 8 दिन प्रॉफिट में रहने वाले हो। और अगर इसने आपका लॉस करा भी दिया, तो भैया आपको SL पॉइंट तो बहुत छोटा मिल रहा है ना, ये तो नहीं कितना बड़ा बड़ा लॉस लेके बैठ रहे हो, छोटा ही SL मिल रहा है ना आपको, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है वहाँ पे, रुपये दो रुपये का देख लो। यहाँ पे अगर इस कैंडल का लो पॉइंट देखो तो एक रुपये 88 पैसे है, और यहाँ पे हाई कितना, 3 रुपये 33 पैसे, मतलब 1.5 रुपये का लॉस है, ठीक है ना। और प्रॉफिट यहाँ 3 रुपये 33 पैसे से अगर आपने दो कैंडल दिखाई तो आपका 9 रुपये, मतलब सीधे सीधे भैया 6-7 रुपये का प्रॉफिट है आपका, 3 रुपये की चीज, 3 × 9, 3 गुना पैसा हो रहा है। और अगर पूरा खा लिया तो आपका 4-5 गुना हो रहा है, 12 नहीं, 11-16, वो यहाँ पे कैंडल नहीं बनी दीदी, नहीं दिखा रहा है, वो 15-16 तक गया था, तभी वो प्रॉफिट मुझे 4000 दिखा रहा था, 435 रुपए लगा के वो 4000 3936 रुपए दिखा रहा था। अच्छा क्योंकि कई बार ये इसमें दिखाता नहीं है, लेकिन फ्लोपो में वो प्राइस उतना चला जाता है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही, बाकी सर आपने जो रिकॉर्ड किया है वो ग्रुप में डाल